हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण 20 सवाल करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 26 मार्च 2013 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 2013 ईस्वी को। त्रिपुरा की राजधानी? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 2013 ईस्वी को। मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल और मेघालय के शिलोंग, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको होता है? तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, यानी कि 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो अभी राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। चलिए अगला देखते हैं, फोर नंबर सवाल बोल रहा है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था? तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला देखते हैं, फाइव नंबर, संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत संसद के दो सत्रों के बीच अंतराल कितना होता है, यानी कि कितने महीने का होता है, ठीक है। तो कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है, ठीक है। यानी संविधान के अनुच्छेद 185 के तहत संसद के दो सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वो कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सिक्स नंबर सवाल है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। अगला देखते हैं, सेवन नंबर, राज्य सरकार धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्य सरकार धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। अगला है एट, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होती है, ठीक है। किसके पास होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होती है भारत सरकार के व्यय करने को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नाइन नंबर सवाल, तो नाइन नंबर सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है, यानी कि शक्ति किसके पास है? तो संसद को होती है, ठीक है। यानी संसद को शक्ति होती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। अगला है दस नंबर, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 147 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार कर सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 147 के तहत। अगला देखते हैं, 11 नंबर सवाल, तो 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल बोल रहा है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो कि कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि वो भी उत्तर प्रदेश से ही थी। कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, 13 नंबर, नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड राज्य 13वां संविधान संशोधन के तहत 1962 के अंतर्गत बना था। कब बना था? 1962 के अंतर्गत, वो भी 13वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 14 नंबर सवाल बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल सर्वप्रथम कब घोषित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। अगला देखते हैं, 15 नंबर, जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। 16 नंबर है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता वंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? वंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला देखते हैं, 17 नंबर, 17 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 18 नंबर सवाल है,
भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर। राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, आज का सबसे लास्ट सवाल वो भी 20 नंबर सवाल। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। और एक तरफ एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है, 21 नंबर, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, यानी कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का जो है अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।